गया हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, बंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुबह सुबह सूर्योदय की सीरीज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। साथियों, करंट अफेयर देखेंगे आज का। आज का वी विल बी डिस्कसिंग द टुडेज करंट अफेयर। बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आज है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा ग्रीटिंग्स कर लें। जय हिंद, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। रुचि, गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज याद रखना, आज तारीख कितनी है? तारीख है आज 25 नवंबर। ठीक है, 25 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, 25 नवंबर, और लेक्चर नंबर है 26, क्योंकि हमने 31 अक्टूबर से शुरू किया था, तो इसलिए एक लेक्चर आगे चल रहा है। दोस्तों, एक चीज समझेंगे कि सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। अगर कोई कहता है कि मुझे सफलता की सीढ़ी चढ़नी है लेकिन मैं फिसलना नहीं चाहता, तो समझ जाना कि वो चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मुझे घोड़े पे चढ़ना है लेकिन मुझे गिरने से डर लगता है, तो वो घुड़सवारी नहीं कर पाएगा, घोड़ा चला नहीं पाएगा। तो जिंदगी में एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज में सफल होने से पहले जरूरी होता है कि आप असफलता के लिए भी तैयार रहें। कहते हैं दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, तैयार रहे और वार करें। असफलता क्या है? एक चुनौती है। जब चींटी देखता है, आपने वो कविता सुनी होगी कि चींटी बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश हमेशा जिंदगी में करते रहनी। आज शुरू करते हैं करंट अफेयर, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे, सबसे पहले आज हेडलाइंस देखेंगे, देखते हैं क्या है हेडलाइंस। हेडलाइंस है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एक मिनट, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइन व्हाट, पेन बदल लेता हूं साथियों, यस, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइन इंटेंट ऑफ कॉपरेशन। इंटेंट का मतलब उनका मंतव्य, यानी मन उन्होंने बनाया। कॉपरेशन किस फील्ड में? क्लाइमेट मॉडलिंग एंड क्वांटम टेक। क्वांटम टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो क्वांटम टेक के उसमें इन्होंने मन बनाया, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने कोऑपरेशन कर। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, साउथ वेस्टर्न कमांड कंडक्ट्स इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज। कौन सा? शत्रुनाश। ये मैंने कल आया आपको पढ़ा रखा हूं, शत्रुनाश कल पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन कल अलग था, यहां पे अलग हेडलाइंस है कि किसने ये एक्सरसाइज किया, तो आपको ध्यान रखना है। वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड यानी दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने ये एक्सरसाइज किया। कहां पे किया? राजस्थान के थार में, थार मरुस्थल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर संगई फेस्टिवल, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, संगई डियर का, संगई डियर का, उसके बारे में ही है ये, वही पार्क है ये, और ये वही फेस्टिवल है दोस्तों। ये डांसिंग डियर भी इसको कहते हैं, ये फुमड़ीज पे डांस करता है, जो लोग टक लेके ना उनकी फुमड़ीज पे ये डांस करता है। विवेक, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या है? संगई एथनियो पार्क। कहां पे है? ये बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये याद रखना, ये फेस्टिवल होने जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है भाई। इंडिया क्लाइमेट सिक्स प्लेसेस क्लाइम्स, क्लाइम्स मतलब अप हो गया, चढ़ गया, 61st रैंक आई है। किसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 61st रैंक इसकी आई है। किसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। कौन सी में? 2022 में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 6 मैदान बड़ा है ये। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया टेक्स ओवर एज काउंसिल चेयर ऑफ, मैंने आपको कल पढ़ाया था दोस्तों, IGGIP GPAI, यानी ग्लोबल ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इसमें क्या हुआ है, इंडिया ने जैसे मैंने कल आपको बताया था कि G20 की जो चेयरमैनशिप है, मेंबरशिप है, वो मोदी जी ले आए हैं 2023 में हमारे यहाँ पे होगी G20 की जो समिट है, ऐसे ही उन्होंने GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है वो भी कहां पे होगी, वो भी हमारे यहाँ होगी, इसकी हम चेयरमैनशिप ला रहे हैं, ले आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सुर्खियां देखो दोस्तों, इसरो करियर्स आउट पैराशूट एयर ड्रॉप, ये इसरो ने पैराशूट एयर ड्रॉप के प्रैक्टिस की है, किस चीज के लिए भाई, गगनयान प्रोग्राम के लिए, गगनयान प्रोग्राम के लिए अभी से पैराशूट की प्रैक्टिस की है, समझ गए बात को। अभिषेक सैनी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक सैनी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज वीक, यहां ध्यान रखना, यहां पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में, यहां डिटेल से यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे, ये आगे आएगा, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक नवंबर 19 से नवंबर 25 तक मनाया जा रहा है, यानी विश्व विरासत सप्ताह, ठीक है, विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। 19 से 25 नवंबर क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग विच पीरियड वर्ल्ड हेरिटेज वीक हैज बीन सेलिब्रेटेड, आपको रखना है 19 से 25, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं, यह है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, वो कह रहे हैं ग्लोबल जीडीपी गिर जाएगी अगर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हुए तो, जीडीपी कितने पे गिर जाएगी, 3.8% गिरेगी, लेकिन वर्ल्ड की जीडीपी की बात कर रहा है, वर्ल्ड जीडीपी, ये रिपोर्ट किसकी है, ये WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटका हैज हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव नेटवर्क, मैंने कल ये क्वेश्चन कराया था आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसकी जो ग्रिड है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, आंसर था कर्नाटक, और यहाँ पे ये सर्खियों में भी दिख रहा है दोस्तों आपको, कर्नाटक में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के पैनल लगे, ग्रिड लगी हुई है, जिससे वहां की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिपोर्ट किसने दिया, RBI ने ये रिपोर्ट दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, और अब आ गई है सुर्खियां, हमारी जो जो हमारी हेडलाइंस थी वो खत्म हो गई दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स, आपको एक बार बताऊंगा जल्दी से कि कौन कौन सी चीज हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर सेशन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपने, बात क्लियर है भाई, चलो शुरू कर देता हूं मैं, एक बार मैं आपको जल्दी से पढ़ के इसको बता देता हूं, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, कल के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स देखेंगे क्या है, सरस आजीविका मेला 2022 भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है, प्रथम सिख हरकीरत सिंह डिप्टी मेयर बन गए कहां के, भारतीय राज्यों का सांख्यिकी 2021-22 RBI देखेंगे, जमा राशि पर ऋण दोस्तों डॉलर बॉन्ड अटल पेंशन योजना देखेंगे, सेबेस्टियन बेटल के बारे में देखेंगे, उन्होंने संन्यास क्यों ले लिया, नोवाक जोकोविक ने फिलहाल में क्या जीता है, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप जो मैंने कल आपको बताया था 28 में से 25 गोल्ड वाला वो भी देखेंगे, मनिका बत्रा बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी खिलाड़ी दोस्तों, वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी IPR को भी देखेंगे, एयर फेस्ट 2022 को देखेंगे, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथोन को देखेंगे, जंबो ट्रेल्स देखेंगे, संगई महोत्सव यानी संगई डियर जो भी बताया था वो देखेंगे, बाबू मणि देखेंगे कि बाबू मणि क्या है, अवैध शिकार विरोधी कुत्तों के एक दस्ते में से एक कुत्ता मर गया दोस्तों, उस कुत्ते के बारे में भी देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई बाल यात्रा, यानी कौन सी बाल यात्रा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है ये भी देखेंगे, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जो हमारा हमेशा का एक टॉपिक रहता है स्टैटिक जीके का, कौन सा टॉपिक रहता है दोस्तों, स्टैटिक जीके का, और वो है आज टॉपिक गिफ्ट, क्या टॉपिक है भाई, गिफ्ट टॉपिक है, गिफ्ट को देखेंगे गिफ्ट क्या है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको हेडलाइन समझ में आ गई होगी दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने सेशन की तरफ, एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आप सभी आराम से पेन कॉपी ले लेना, जो लिखने वाली चीज हो वो लिखना, जो याद करने वाली हो उसको याद ही कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको डायरेक्ट याद करना, ठीक है, ओके ओके। देखो 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो के लिए 53 आवर्स चैलेंज, आवर सही HOURS, ठीक है, आवर्स मतलब घंटे, कि दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, पहला संस्करण हो गया, दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, पूछ रहे हैं राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अजीत डोभाल या अनुराग ठाकुर। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये नोट करना है कि अनुराग ठाकुर की बात हो रही, किसकी बात हो रही, अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं कि किसने 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो
के लिए 75 घंटे का चैलेंज, यानी 53 घंटे का चैलेंज। अनुराग ठाकुर को ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन यानी सूचना एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण, ठीक है, एंड दोस्तों यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मिनिस्टर है पहले तो, ये मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, ये मंत्रालय के इसके हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो अनुराग ठाकुर ने क्या किया दोस्तों, एक चैलेंज दिया और उसका नाम था 53 आवर्स चैलेंज। इसमें क्या था मैं आपको अभी समझाता हूं, आपको याद रखना है 53 आवर्स चैलेंज में थीम थी एट द रेट 100 इंडिया एट द रेट 100। ये थीम है, ध्यान रखना है आपको। और इस थीम के अंदर उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो 100 साल है दोस्तों, वो 53 घंटे आवर चैलेंज था कि इतनी देर में आपको पूरे 100 साल को रिप्रेजेंट करना है, यानी कोई फिल्म बनानी है, कोई पिक्चर बनानी है। और ये किसके लिए था, ये सिनेमा वर्ल्ड के लिए था, सिनेमा वर्ल्ड के लिए। जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी एक्टर हैं, जो भी बनाते हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया को 100 इयर्स को कैसे, यानी जब 100 साल का हो जाएगा, इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा, तब कैसा लगेगा, या हमारे जो 100 इयर्स होंगे उनमें हम कहां पहुंचेंगे, ये पूरी फ्यूचर फोकास्टिंग, पास्ट से लेके फ्यूचर तक। आप कोई मूवी बनाओ, उस मूवी में से सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों, बेस्ट मूवी सेलेक्ट की जाएंगी। और उसमें से कितनी सेलेक्ट की गई है, उसमें से लगभग 700 के लगभग आवेदन आए दोस्तों, और उसमें से बेस्ट 100 सेलेक्ट की जाएंगी, बेस्ट 100, उनमें से अवार्ड भी दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आंसर इसका हो गया अनुराग ठाकुर, ये चैलेंज दिया है उन लोगों के लिए जो पिक्चर विक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट, नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया, बताइए, भूपेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर, बताओ बताओ दोस्तों। अच्छा, आपको ये भी जानना है कि ये कौन कौन है दोस्तों। देखो, ये राजनाथ सिंह है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, यानी रक्षा मंत्री है, ध्यान रखना। ये वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट, जो पहले जो अवार्ड पहले मैन जो मंत्रालय पहले मेनका गांधी में था, वो अब इन्होंने ले लिया दोस्तों, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला। अनुराग ठाकुर मैंने आपको बता दिया, अजीत डोभाल जो है वो NSA है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। चलते हैं नेक्स्ट, देखो दोस्तों, कौन है इनमें से, किसने किया है इस मेले का उद्घाटन, किसका, सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसने किया है, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या भूपेंद्र यादव। ध्यान रखो दोस्तों, गिरिराज सिंह, कौन, गिरिराज सिंह। यहाँ पर देखो, याद रखेंगे आपको कि रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, ध्यान रखना, क्या, ग्रामीण विकास इस मंत्रालय के मंत्री हैं कौन भाई, ये हैं गिरिराज सिंह, कौन, गिरिराज, लिख दो इनको गिरिराज सिंह। दूसरा एक मंत्रालय और है इनके पास, और वो है पंचायती राज, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये न्यूज में है तो ये भी पूछे जाएंगे, पंचायती राज मंत्रालय, ये भी गिरिराज सिंह जी के पास है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रगति मैदान में दोस्तों, ध्यान रखना, कहां पे, प्रगति मैदान दिल्ली में किसका, सरस मेला 2022 का क्या किया, उद्घाटन किया है, ध्यान रखना, सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया है 2022 का, किसने, गिरिराज सिंह ने, आपको ध्यान रखना, बात इतनी समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, हाल ही में कौन सा देश भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना, आपूर्ति मतलब जो सप्लाई कर रहा है, तो ध्यान रखना है आपको कि रशिया जो है सबसे पहले तो चीन को पीछे कर क्या बन गया दोस्तों, क्या बन गया, उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया, किसके लिए, इंडिया के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, चीन को पछाड़ दिया है, अब सबसे पहले नंबर पे कौन है, रशिया है, पहले चीन था दोस्तों। एक दूसरी बात और, पहले ऑयल में भी या मैन्युफैक्चरिंग में या किसी में भी चीन पहले सबसे ज्यादा था, हमारा ट्रेड डिफिसिट चीन से बहुत ज्यादा था, अब कौन आ गया, रशिया। हमने पिछले साल
2021-22 में 17 बिलियन का तेल खरीदा है, ठीक है, तेल, और ये 2030 तक 30 बिलियन होने वाला है, 30 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर ऑयल बिलियन में, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्या हो गया आंसर? रसिया, यानी हम फर्टिलाइजर्स में भी रसिया ने क्या किया है, चीन को ओवरटेक करके इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन गया, पहले नंबर पर रसिया आ गया, तो आंसर इसका क्या हुआ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश में पहले पगड़ीधारी सिख हरकीरत सिंह, बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाहर का विदेश का क्वेश्चन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा है दोस्तों, ठीक है, यस यस यस। देखो पगड़ीधारी जो सिख है वो कहां पे डिप्टी मेयर बने, फटाफट बताओ कहां पे बने दोस्तों, कनाडा में, कहां पे, कनाडा में वो बने हैं डिप्टी मेयर, एक मिनट, कनाडा में डिप्टी मेयर बने, तो क्या नाम है उनका, हरकीरत सिंह, ध्यान रखना हरकीरत सिंह डिप्टी मेयर, ये पहले शख्स हैं जो पगड़ीधारी हैं, यानी जिनके ऊपर पग है और वो डिप्टी मेयर बन गए कहां, कनाडा में। एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है इसके परिपेक्ष में दोस्तों, आपने सुना होगा अन्नपूर्णा, अगर वो आपसे पूछ ले कि अन्नपूर्णा मूर्ति यानी आइडल, अन्नपूर्णा मूर्ति जो है वो किससे संबंधित है, कहां से आई है, क्या चक्कर है, तो ध्यान रखना वाराणसी की है अन्नपूर्णा मूर्ति, वाराणसी की है अन्नपूर्णा मूर्ति, और इसको 100 साल पहले दोस्तों, 100 साल पहले, 100 साल पहले चुरा लिया गया था, क्या कर दिया गया था, चुरा लिया गया था, ये चोरी हो गई थी इंडिया से, चुराया था कहां से, इंडिया से, इसको इसको वापस लाए हैं, कनाडा ने इसको वापस किया है, कनाडा से अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाए हैं, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा इस चीज को, अन्नपूर्णा आइडल क्यों पूछ लेगा, क्योंकि इसमें सरकार भी शामिल है दोस्तों, ध्यान रखना ये किसकी मूर्ति है, ये है गॉडेस, गॉडेस ऑफ फूड, यानी ये खाने की देवी है, खाने की देवी, क्यों, क्यों इसने अपने हाथ में ऐसे करके कटोरा होल्ड किया हुआ है, ऐसे करके मूर्ति है, ये 100 साल पहले भारत से चोरी हो गई थी, किसने कर ली थी, कनाडा ने, अब कनाडा से इसको वापस लाया गया दोस्तों 2020-21 के सेशन में, कि कनाडा ने इसको वापस किया है, ये वाराणसी से चुराई गई मूर्ति है, क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि इस मूर्ति की पूरी बनावट, पूरा स्कल्पचर, पूरी जो डिजाइन है वो वाराणसी की सारी मूर्तियों से, जो उनकी मूर्ति कला है उससे मिलती है, ये 100 साल पहले चुराई थी और इसको अब वापस लिया है, कहां से, कनाडा से, तो ध्यान रखना है आपको अन्नपूर्णा, ध्यान रखना है आपको वाराणसी से चुरी थी और इसको वापस लाए हैं कनाडा से, चलते नेक्स्ट, चलते नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है, कनाडा, यस कनाडा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2021-22 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, बताओ भाई कौन सा संस्करण जारी किया दोस्तों, देखो सांख्यिकी मतलब होता है स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इस पर 2021-22 इसकी पुस्तक का अनावरण किया गया है दोस्तों, किसने किया है, ये आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, किसने, आरबीआई ने किया है, ध्यान रखना आरबीआई ने, और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों, ये 7th संस्करण है, कौन सा है, 7th संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, अगर बात करें आरबीआई की तो आप सबको पता है दोस्तों, आरबीआई की क्या ही बात करूं मैं, डेली डेली एक बात करूंगा ठीक नहीं लगता, आपको याद ही हो गया होगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर एक लॉ बना था 1934 में और 1935 में 1 अप्रैल को स्थापना हुई थी आरबीआई की, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक गुजरात में अपनी गिफ्ट सिटी शाखा में अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय मतलब समझ रहे हो, NRI यानी नॉन रिटर्निंग या नॉन रिजाइडिंग इंडियन, बात एक ही है, नॉन रिटर्निंग या नॉन रिजाइडिंग इंडियन, बात एक ही, ठीक, 7th विवेक करेक्ट आंसर, जमाओं के बदले ऋण और डॉलर बॉन्ड की पेशकश करने वाला, एक बात ध्यान रखो दोस्तों, देखो यहां विदेशी आते, मान लो कोई फॉरेनर इधर आया, मान लो कोई फॉरेनर इधर आया घूमने, उसने क्या किया, वो अपना यहां डिपॉजिट करता है क्या, डॉलर,
डॉलर डिपॉजिट करता है अपने यहाँ पे आके, या फिर क्या करेगा वो करेंसी को एक्सचेंज करेगा। मान लो बहुत बड़े अमाउंट में करेंसी चाहिए, मान लो 100 रुपए है, अब 100 रुपए में अगर उसको चाहिए कि भाई मुझे 100 ही रुपए चाहिए वापसी में, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, पैसे कटते थे मनी एक्सचेंज में। लेकिन अभी क्या हो गया, ये जो प्राइवेट वेंचर है आईसीआईसीआई, ध्यान रखना कौन सा वेंचर है दोस्तों, आईसीआईसीआई, इसने क्या किया है भाई, इसने ये कह दिया है कि आप लगभग 96% ऑफ योर स्टेक, जो आप स्टेक है जो आप देने वाले हो, उसका वापसी ले लो हमसे। यानी हमको आप, हम आपको डॉलर के अगेंस्ट में या जो करेंसी है उसके अगेंस्ट में लोन देंगे, आप अपना खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरुआत किसने की, आईसीआईसीआई बैंक ने पहली बार शुरुआत की है, इधर सबसे पहले इस बैंक ने शुरुआत किया, प्राइवेट वेंचर की बैंक है आईसीआईसीआई। 1994 इसकी स्थापना दिवस है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है 1994। अगर हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे तो हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है, मुंबई, बात करेक्ट है कि नहीं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए किस संस्था बैंक को सम्मानित किया गया है। भाई अटल पेंशन बैंक योजना पूछ रहा है कि कौन सी संस्था को इसके लिए अटल, पहले तो आप ये बताओ अटल है क्या, अटल पेंशन जो वो है स्कीम वो है क्या दोस्तों, वो है दरअसल ये किसको दी जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जिन लोगों पे वो नहीं है अपना, वो नहीं है मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग, जिन पे अपना कोई बिजनेस नहीं है, कोई सरकारी जॉब नहीं है ऐसे नहीं, तो उन लोगों के लिए ये 60 साल तक क्या है अटल पेंशन योजना दोस्तों चल रही है 60 साल तक, ठीक है अटल पेंशन योजना। इसके अंतर्गत वो कह रहे भाई किसको आपने अवार्ड दिया है इस योजना के अंतर्गत, तो ध्यान रखना कर्नाटका ग्रामीण बैंक को दोस्तों, किसको अवार्ड किसको मिला, कर्नाटका ग्रामीण बैंक को सरकार ने पुरस्कृत किया है, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, इन लोगों ने इसके अंदर बहुत सारे लोगों को एनरोल करवाया और उनको अटल पेंशन योजना के बारे में बताया, ध्यान रखना किसके थ्रू वो करवाया, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के थ्रू इसकी जानकारी दिलवाई और बहुत सारे लोगों को पेंशन का फायदा मिला, तो इस वजह से सरकार ने इनको इनाम दिया, ध्यान रखना ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी बैंक ही है, ये क्या है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, ध्यान रखना ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सब जानते हैं दोस्तों, 1 जुलाई 1955 ठीक है इसकी स्थापना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेबेस्टियन वेटल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, भाई बता दो मुझे, फॉर्मूला वन, पोलो, रग्बी या फिर गोल्फ, बताओ आंसर फटाफट, आंसर बताओ भाई, किस खेल से छुट्टी लेने की घोषणा की है किसने, सेबेस्टियन वेटल ने, सेबेस्टियन वेटल कौन है, सेबेस्टियन वेटल है दोस्तों फॉर्मूला वन का प्लेयर है, कौन है फॉर्मूला वन का प्लेयर है सेबेस्टियन वेटल ने, चार फॉर्मूला वन रेस जीती है, ध्यान रखना जीती है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि 2010, 12, 13 ये लगातार जीती है, लगातार ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपकी कि यह सेबेस्टियन वेटल जो है वो सिर्फ हैमिल्टन यानी लुईस हैमिल्टन एंड माइकल शूमाकर बस इन दो लोगों से ही पीछे है, ये क्यों, इन दोनों ने 7 रेस जीती है, कितने, इन दोनों ने 7 रेसें जीती हैं, इसने 4 रेस जीती है, ध्यान रखना दोस्तों। ये जो सेबेस्टियन वेटल है ये कहां का है, अगर आपसे पूछ ले, ये जर्मनी का बंदा है, कहां का है, जर्मनी का बंदा। ये जो पहली 3 रेस है ये जो इसने लगातार जीती है, ये जीती है रेड बुल की गाड़ी, कौन सी कंपनी, रेड बुल, और ये जो लास्ट में इसने जीती थी चौथी जो फोर्थ रेस है दोस्तों वो इसने जीती 2019 में और वो जीती है फेरारी से, इससे फेरारी से जीती था, ठीक है फेरारी। ये आपको ध्यान रखना है, सेबेस्टियन वेटल इन्होंने संन्यास ले लिया है, फॉर्मूला वन रेस के प्लेयर हैं, ध्यान रखना ठीक है। 35 साल की उम्र हुई है, अब उस टाइम पर जब ये बने थे चैंपियन तो सबसे नई उम्र के चैंपियन थे अपने आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ATP फाइनल एकल खिताब जीता है, हाल ही में किसने कौन सा ATP खिताब जीता है, भाई ये पूछ रहे हैं अपना नोवाक जोकोविच ने, ध्यान रखना
छठवां, कौन सा खिताब जीता है? छठवां। एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, नोवाक नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक, इन्होंने क्या करा है? सिक्स्थ एटीपी ग्रैंड स्लैम जीता है, ग्रैंड स्लैम जीता है। दोस्तों इस पर बढ़ने से पहले, आंसर तो आपको पता चल गया, इस पर बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ग्रैंड स्लैम बताता हूं कि ग्रैंड स्लैम आखिर क्या चीज है, और ये जो अवार्ड इनको मिला है वो कौन सा अवार्ड है, क्या इनको एक कोई चीज इन्होंने जीती है उसका अवार्ड है? नहीं, ये अलग अवार्ड है। इसमें एटीपी लिखा है ना, एटीपी मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जो टेनिस में पेशेवर लोग हैं उस एसोसिएशन को कहते हैं एटीपी। अब देखो ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप नीचे से चलोगे वर्ल्ड मैप पे नजर रखना, मैं जो समझाने जा रहा हूं ध्यान रखना, वर्ल्ड मैप पे नजर रखो, वर्ल्ड मैप पे मतलब सबसे नीचे हम ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये कब होता है ध्यान रखना, ये जनवरी में होता है, जनवरी फरवरी में सबसे पहले यही होता है। ये चीज आपको एक बार याद हो जाएगी ना, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, करंट अफेयर पता चल जाएगी कि ये कौन से महीने का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो रटने में इधर उधर हो जाता है मामला, इसलिए गड़बड़ा जाते हो आप लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी से फरवरी में होता है दोस्तों। दूसरा अगर आप जाएंगे तो दूसरा होता है फ्रेंच, कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, और ये होता है आपका मई में, कब होता है? मई में या जून में, मई जून लेके चलो, इस गर्मियों में होता है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है दोस्तों विंबलडन, कौन सा आता है? विंबलडन, ध्यान रखना ये लंदन का है विंबलडन, और विंबलडन जो ओपन होता है, विंबलडन ओपन वो जून के जस्ट बाद, यानी जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त में ये विंबलडन होता है। अगर चौथे की बात करो दोस्तों, तो चौथा लास्ट होता है, उसको यूएस ओपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूएस ओपन, और वो कब होता है? वो होता है अगस्त और सितंबर में, अगस्त और सितंबर में। इन चारों का क्रम याद रखो, ये ऐसे साल भर चलते हैं। फिर क्या होता है इन चारों में से दोस्तों, इन चारों में से क्या होता है, एक तो सिंगल वाली जोड़ी निकलती है जो सिंगल सिंगल खेलते हैं, फिर इन चारों में से एक डबल वाली जोड़ी निकलती है जो डबल डबल खेलते हैं, डबल्स में दो दो लोग, और जब ये निकल के आते हैं तो लगभग आठ लोग निकल के आते हैं, आठ मेन लोग, और उन आठ का पूरा ब्यौरा देखा जाता है पूरी साल का, कि इन्होंने पूरे ग्रैंड स्लैमों में कैसा परफॉर्म किया, और उसके बाद ये रैंक बनती है कौन सी जो यहाँ पे पूछी जा रही है, नोवाक जोकोविच एटीपी फाइनल एकल खिताब, एटीपी के सारे चीजों को पूरी परफॉर्मेंस को मिलाकर एक खिताब मिलता है, और वो इन्होंने कितना जीता है? वो इन्होंने जीता है छठवां। अब आपको एक नोट करके बात और याद रखनी है कि ऐसा कौन सा दूसरा प्लेयर है जिसने छह जीते, तो दोस्तों वो है रोजर फेडरर, कहां का है? स्विट्जरलैंड का रोजर फेडरर, ठीक है, और जोकोविक, ध्यान रखना ये दोनों प्लेयर हैं जिन्होंने अब छह छह की बराबरी कर ली है, छह छह एटीपी एकल खिताब जीत लिए हैं, छह छह, ठीक है। ये रोजर फेडरर कहां के हैं? ये स्विट्जरलैंड के, ध्यान रखना ये स्विट्जरलैंड के, और ये जो जोकोविक है वो सर्बिया के, कहां के भाई? ये सर्बिया के, ये आपको ध्यान रखना है, यही आपको याद भी रखना है, बात क्लियर? गुड मॉर्निंग रिमी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाँ बिल्कुल सर्बिया के हैं, लास्ट यूएस, यस एग्जैक्टली लास्ट यूएस, सिक्स्थ एटीपी, करेक्ट, एकदम करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन, यानी पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन से, देखो कल मैंने आपको ये पढ़ाया एशियाई एयरगन, मैंने बताया था भारत के लोगों ने, भारत के खिलाड़ियों ने 28 में से 25 गोल्ड ला के रख ली, तो दोस्तों उसमें क्वेश्चन क्या क्या बन रहा था, या तो ये पूछते कि भाई कितने गोल्ड लाए हैं, कितने थे, 28 में से 25 लिया, या ये पूछते कहां पे हो रही है, साउथ कोरिया में हो रही है, जाहिर सी बात है, कौन क्या है, नाम क्या है, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप है, लेकिन यहां पे पूछ लिया कि कौन सी है। दोस्तों देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं सारे डायमेंशन आपको पता रहने चाहिए। एक तो सबसे पहले 25 गोल्ड जीते हैं किसमें से, 28 में से गोल्ड मेडल, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है आपको प्लेस, अगर आपसे प्लेस पूछ ले तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है भाई प्लेस? प्लेस है साउथ कोरिया, प्लेस कौन सा है? साउथ कोरिया, एक चीज ध्यान रखनी है आपको। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों कौन सी, कि ये कौन से नंबर की थी, कौन से नंबर की थी, तो आपको ध्यान रखना है ये टेंथ वाली थी, समझ गए बात को, ये चीजें आपको छोटी मोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में मनिका बत्रा, ध्यान रखना, हाल ही में मनिका बत्रा एशियाई कप टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन सा टूर्नामेंट है? एशियाई कप, एशियन कप टूर्नामेंट, ठीक है। यह पहली महिला है जिसने इसमें पदक जीता है, ध्यान रखना। किससे रिलेटेड है ये? टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। दोस्तों एक बात क्या ध्यान रखनी है कि टेबल टेनिस की जो मुख्य बॉडी है, मुख्य जो बॉडी है यानी मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कहते हैं? ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। दोस्तों अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो ध्यान रखना 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपसे पूछे इस खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में कब शामिल किया गया ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है 1988 में इस खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है, ये पूछेगा। टेबल टेनिस को दूसरा नाम इसको पिंग पोंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंग पोंग भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। टेबल टेनिस और पिंग पोंग बात दोनों एक ही है दोस्तों, ध्यान रखना है आप। टेनिस टेबल, टेनिस टेबल नहीं, टेबल टेनिस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस तो ये प्लेयर किसकी है? टेबल टेनिस की है। पहली बार मनिका बत्रा है जो कोई मेडल लाई है किसमें? इस टूर्नामेंट में, एशियाई कप टूर्नामेंट में। ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, इतनी चीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये देखो नेक्स्ट देखते हैं। 2021 में वैश्विक बौद्धिक संपदा, वैश्विक बौद्धिक संपदा का क्या मतलब है भाई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, बौद्धिक संपदा का अधिकार, वैश्विक बौद्धिक संपदा का अधिकार दाखिल करने में कौन से एशियाई देश अग्रणी हैं? यानी वो ये कह रहे हैं ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपीआर को जो दाखिल कर रहे हैं, आपको मैंने दो दिन पहले पढ़ाया दोस्तों, मैंने आपको टेबल टेनिस, हाँ मैंने आपको दो दिन पहले पढ़ाया है कि ये जो आईपीआर है, आपने, मैंने बताया था कि आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, उसने आईपीआर दाखिल किया है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दाखिल किया है गवर्नमेंट के सामने कि भाई इसकी जो ड्रेस है, उस ड्रेस कोड का, ड्रेस की डिजाइन का, कलर का, सबका जो आईपीआर रहेगा वो सिर्फ इंडियन आर्मी पे रहेगा। अगर कोई और इसको बना रहा है या बेच रहा है तो उसको सजा मिलेगी, लीगल प्रोसेस के थ्रू उसको जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आईपीआर का ये देश भी करते हैं दोस्तों। यहां पर यही पूछ रहा है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल यानी WIPR, ये देश, ऐसे देश कौन से जो इसको मांग रहे हैं? तो देश किस लिए करते हैं? उनकी बनाई हुई चीजें, उनकी बनाई हुई डिजाइन, उसके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपना राइट लेना चाहते हैं, उन पर उनकी नकल ना हो। जैसे ताजमहल जैसे किसी कहीं और बना दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर इसको कौन देखने आएगा? इसलिए ये जो WIPR है दोस्तों, ध्यान रखना, ये इसमें कौन कौन से देश शामिल है जो इसमें अग्रणी है, ध्यान रखना, इंडिया है, चाइना है और साउथ कोरिया है। यानी ये सारे ही है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सारे लोगों ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ आईपीआर को फाइल किया है कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आईपीआर, बीपो, बीपो, बीपो मतलब इसको कौन, ये जो चीज देता है वो कौन देता है? बीपो देता है, ध्यान रखना। बीपो का मतलब है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसको देता है, इसको आईपीआर को, जिनके सामने ये दाखिल कर रही है ये देश। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शहर में एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? बताओ भाई किस शहर में एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? नागपुर शहर में। किसमें? नागपुर दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर क्या किया गया है? एयर फेस्ट 2000 यानी एयरफोर्स के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा एयर फेस्ट 2022 भाई किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ध्यान रखना, नागपुर में आयोजित हुआ है 2022 का, क्या 2022 का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन, ठीक है, नागपुर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने
यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? बताओ भाई किसने उद्घाटन किया है 2022 का? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे कि हैकाथन क्या है, इंडिया एंड अफ्रीका, इंडिया एंड अफ्रीका हैकाथन दो हजार बाईस किसने किया भाई? ये किया है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। इसका इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है साथियों, और उद्घाटन किया है यूनेस्को भारत, यानी यूनेस्को। अब बात हमारी यहां मेरे पास, आपको इतना फैक्ट इसमें याद रखना है कि योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश में इसका क्या हुआ, हैकाथॉन का शुभारंभ हुआ। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है आपको यूनेस्को, यूनेस्को जो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था दोस्तों, अगर इसकी फुल फॉर्म अगर देख लेते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, यूनेस्को है, ध्यान रखना है आपको। यूनेस्को में भारत में कितनी साइट्स हैं दोस्तों? 40। लेटेस्ट कौन सी है फटाफट बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे को लेटेस्ट कौन सी है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि लेटेस्ट कौन सी है साइट इसकी, ठीक है, बताओ मेरे को एक बार, मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूं, लेटेस्ट साइट बताओ मेरे को। पानी नहीं है। हाँ भाई नेक्स्ट देख लो, ये कमेंट का कुछ करना पड़ेगा, ये क्या होता है कमेंट लेट जाते हैं फिर मेरे को ध्यान नहीं रहता है, मैं जब बोल देता हूं तब आपको ध्यान आता है, जब मैं नहीं बोलता तब आपको ध्यान नहीं आता, ध्यान तो आता होगा मतलब लिख नहीं पाते उस टाइम पे। धोलावीरा, धोलेरा नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है धोलावीरा। हाँ विवेक, धोलावीरा इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने हाथियों वनस्पतियों और जीवों के उस टाइगर रिजर्व में रहने वाली आदिवासी जनजातियों के बारे में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए जंबो ट्रेल्स, यानी एक तो हाथी आपने देखा होगा, कल भी मैंने पढ़ाया था हाथी का जो डेथ हो रही है, यानी एलिफेंट डेथ ऑडिट, ये किसी राज्य की सरकार ने कल करा था, मैंने आपको कल पढ़ाया आपको ध्यान था, तो उन्होंने क्या किया जंबो ट्रेल्स चलाया, किस लिए भाई, जंबो का मतलब तो हाथी होता है ना जानते सब, जंबो एक मूवी भी आई थी ना, जंबो ट्रेल्स चलाया है मतलब वो जो वहां पे जनजाति रहती है और वहां घूमने घामने लोग आते हैं, उन घूमने घामने वाले लोगों को जनजाति की जानकारी रहे, उनसे दिक्कत ना हो, उनके बारे में वो जान जाए, उनको परेशान ना करें और हाथियों की हत्या ना हो, इस चीज के लिए क्या चलाया गया जंबो ट्रेन। तो कौन से राज्य चला भाई ये, कौन सा वो पूछ रहा है, टाइगर रिजर्व अन्नमलाई, कौन सा अन्नमलाई, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना दोस्तों अन्नमलाई टाइगर रिजर्व कहां पे भाई, तमिलनाडु, कहां पे है तमिलनाडु में है, ध्यान रखना करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नल्ला मल्ला, अब अन्नमलाई तो आपने कह दिया मतलब देख लिया, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे नल्ला मल्ला जो रिजर्व है टाइगर रिजर्व वो कहां पे है वो मुझे बताओ थोड़ा, नल्ला मल्ला ये नागार्जुन श्रीशैलम सुना ना, नागार्जुन श्रीशैलम वो इसी फॉरेस्ट में, तो नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व मुझे बताओ ये कौन से स्टेट में है, फटाफट बताओ मुझे तुरंत यही पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चलाई थी कल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोस्तों, कौन था एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है कहां के, तमिलनाडु के, एमके स्टालिन ने क्या चलाया एलिफेंट डेथ ऑडिट, एलिफेंट डेथ ऑडिट, ठीक है एलिफेंट डेथ ऑडिट 2022, ऐसी पहली गवर्नमेंट है जिसने ये चलाया है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है इसने ये चलाया है, ध्यान रखना। अन्नमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो क्या है, जंबो ट्रेल्स को बताएगा उन लोगों के लिए जो वहां घूमने आते हैं और उनकी जनजाति के बारे में बताएगा वहां। मैंने आपसे पूछा नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व कहां है, करेक्ट आंसर इसका सी है, नल्ला मल्ला मेरे को एक बार बता दो तो ठीक रहेगा। नागार्जुन श्रीशैलम चेक करो विवेक, इसको दोबारा चेक करो नल्ला मल्ला को, ये आंध्र प्रदेश में है,
सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, सब जानते हैं वेस्ट बंगाल दोस्तों। गुरु घासीदास बताओ मुझे कहां पे है, गुरु घासीदास कहां पे है दोस्तों? अभी बिल्कुल ताजा बना है ये टाइगर रिजर्व, और ये कहां पे है? ये है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। मेरे ख्याल 53वां टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास, और वो छत्तीसगढ़ में, क्लियर। सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क कहां पे है? राजस्थान। सरिस्का नेशनल पार्क कहां है? राजस्थान, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े पर्यटन महोत्सव संगई महोत्सव 2022 की शुरुआत की है? मैंने बताया था ये सुर्खियों में भी आया था दोस्तों, क्या संगई महोत्सव। सबसे पहले आपको याद रखना है कि संगई महोत्सव कहां मनाया जा रहा है, संगई महोत्सव। अब संगई महोत्सव को आपको याद रखना है संगई डियर से, किससे? संगई डियर यानी हिरण, इनसे मिलाकर याद रखना दोस्तों। ये कहां मिलते हैं? मणिपुर। कहां मिलते हैं ये? मणिपुर। मणिपुर दोस्तों कहां, क्या है यहां पे? लोकटक लेक। क्या है यहां पे? लोकटक झील, ध्यान रखना लोकटक झील के बारे में, लोकटक झील के बारे में ध्यान रखना। और ये जो मणिपुर है इसमें क्या है? कीबुल लामजो, कीबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, कीबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ध्यान रखना है आपको। ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग माने तैरता हुआ, फ्लोटिंग माने तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां क्या मिलते हैं? फुमडीस क्या होती है? फुमडीस होती है दोस्तों जो पार्क में वो डब्बे से रखे रहते हैं, उनके ऊपर ऐसे कूद कूद के ये डांसिंग डियर डांस करता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डांसिंग डियर कहते हैं, संगई डियर इसका नाम है इसको, और भी इसको क्या कहते हैं? डांसिंग डियर भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, डांसिंग डियर भी इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, करेक्ट है बात। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, देख लेते हैं, अगर आप चाहें आपकी श्रद्धा हो तो एक एक इनका पार्क बताएं मुझे दोस्तों, एक एक पार्क मुझको बताएं इनका, वैसे तो आप याद कर रहे होंगे इसलिए मैं पूछता नहीं ज्यादा। बाबूमणि जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस खेल से जुड़े थे, बताओ? ये बाबूमणि है, देख लो, ये है बाबूमणि, ये किस खेल से जुड़े थे दोस्तों? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मोहन बागान, अगर मैं लिखता हूं मोहन बागान, ठीक है, एक चीज मैं लिखता हूं दिलीप ट्रॉफी, एक चीज मैं लिखता हूं संतोष ट्रॉफी, एक चीज मैं लिखता हूं दोस्तों रणजी ट्रॉफी मोहन बागान कप, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं विश्व कप 2022। मुझे बताओ भाई इनमें कौन सा खेल किस चीज से संबंधित है, मुझे बताओ, ये आपसे प्रश्न पूछा है मैंने, इनमें कौन सा खेल किस चीज से संबंधित है ये मेरे को बताओ। देखो यहां लिखा है मोहन बागान कप, ये फुटबॉल से संबंधित है, किससे है ये? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। ये क्या है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी, ध्यान रखना, ये क्या है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी, ध्यान रखना, ये क्या है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी, ध्यान रखना। और ये जो कप लगा हुआ ना कप, ये भी किसका है? ये भी क्रिकेट का है, तो ध्यान रखना। ये याद करने की भी ट्रिक हो सकती है कि ज्यादातर चीजें क्या है कि जहां कप लगा हुआ है वो फुटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों, फुटबॉल से, और जहां ट्रॉफी लगा रहता है वो किससे रिलेटेड होती है? क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, क्रिकेट से। तो ये मोहन बागान कप से रिलेटेड है कौन दोस्तों? ये बाबूमणि मोहन बागान कप से रिलेटेड है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, बहुत ही मस्त प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, इनका क्या संबंध है? फुटबॉल से संबंधित है, समझ गए? तो याद रखना है, फेमस थे इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। अवैध शिकार विरोधी कुत्तों के दस्ते के नाए दोस्तों, कुत्ते भी न्यूज में आ रहे, यानी व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा कि मैं न्यूज में आ जाऊं तो मेरी स्थिति तो फिर कुत्तों से भी नीचे है, समझ गए?
ये कुत्ते न्यूज में आ रहे दोस्तों, कुत्तों के दस्ते K9 का पहला कुत्ता था जिसका निधन हो गया। मतलब अच्छा कुत्ता था ये, जो शिकार करते ना लोग, जो शिकार करते तो शिकार अवैध शिकार करते हैं, उनके विरोधी दस्ते का कुत्ता था ये। जैसे कोई एलिफेंट का शिकार कर रहा है या किसी जानवर का कर रहा है तो ये कुत्ता उनको खा जाएगा, उनको पकड़वा देगा, उस वाले दस्ते का था। दस्ते का नाम था K9 और वो पूछ रहे कुत्ते का निधन हो गया, उस कुत्ते का नाम और बताओ दोस्तों। स्वर्ण अक्षरों में इस कुत्ते का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कुत्ता न्यूज में आया भैया, सारे कुत्ते न्यूज में नहीं आते। तो इसका नाम है दोस्तों ये जोरबा। क्या नाम है? जोरबा इसका नाम है, ध्यान रखना। ये बहुत ही बहादुर कुत्ता था, इसका निधन हो गया साथ, ठीक है, जोरबा। जोरबा इसका नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बाली यात्रा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? भाई बाल यात्रा है, कोई कोई यात्रा हुई है, एक बाल यात्रा, और उसने क्या किया है, उसने गिनीज बुक में अपना नाम लिखा दिया। तो वो पूछ रहे हैं ये कहां की है पहले तो ये बताएं, और फिर मैं आपको मतलब भी तो समझाऊंगा कि गिनीज बुक में इसका नाम कैसे आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मिनट, ये क्या है? कटक। आंसर क्या है इसका? कटक। देखो कटक, कटक में क्या हुआ दोस्तों, कटक में लगभग कितने 20 स्कूल के बच्चे, कितने 20 स्कूलों से, 22 स्कूल थे, 22 स्कूलों से बुलाए गए बच्चे, लगभग 700 से ऊपर बच्चे दोस्तों एक साथ, स्टूडेंट। इन लोगों ने क्या किया, एक ही बार में लगभग इतने ज्यादा 35 मिनट के अंदर इसको कहते हैं ओरिगामी। क्या बोलते हैं? ओरिगामी। ओरिगामी आपने देखा ना, कागज से मोड़ा मोड़ी करके जो कुछ बना देते हैं, कोई फूल बनाता है, पत्ती बनाता है, कुछ लोग नाव बना देते हैं। इन लोगों ने यही करा कटक में। क्या किया इन लोगों ने? 35 मिनट के अंदर दोस्तों लगभग 2200, कितनी 2200 नाव बना दी। नाव किसकी? कागज की, कागज की नाव बना दी, ध्यान रखना। अब 2200 नाव बना दी कागज की, वो एक साथ बना दी मात्र 35 मिनट में, इसलिए इनको क्या हुआ, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम चढ़ गया, ध्यान रखना। ठीक है, बात क्लियर ना जी? नागार्जुन आंध्र प्रदेश, हाँ करेक्ट बात है, नागार्जुन श्रीशैलम है ना, नागार्जुन श्रीशैलम। देखो दोस्तों ये क्या है, जैसे मैंने आपको हिल्स बताई थी उस दिन, हिल्स कौन कौन सी बताई थी? अन्नमलाई और नन्नामलाई, यानी डोडाबेट्टा, अन्नमुडी, ये जितनी मैंने हिल्स बताई थी ना, ये जो है, ये जो नल्लामाला फॉरेस्ट है, ये फैला हुआ किसमें? थोड़ा सा केरला में, थोड़ा कर्नाटका में, थोड़ा आंध्रा में, थोड़ा तमिलनाडु में, समझ गए? ये इसका ये रीजन है। तो ये जो मेन मेन चीजें हैं, मतलब ये बता रहा हूं एग्जाम पर्पस से, कि जब याद करनी होती ना कोई चीज, तो ये जो मेन रीजन होते हैं, बस इन्हीं की चीजों को याद कर लो थोड़ा सा थोरो जाके, तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। जैसे कोई पूछेगा कि भाई जो अन्नामुडी जो पहाड़ी है, अन्नामुडी पहाड़ी है, वो कहां पे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि को जंक्शन पे स्थित है। बस यही दो चार चीजें जो पूछी जाती हैं, जिनको एग्जामिनर को भी लगता है यहाँ फंसेगा, अदरवाइज कौन फंसता। सीधे सीधे स्टेट के नाम है, सीधी सीधी पहाड़ियां है, सीधे सीधे घाट है, सीधी सीधी हर चीज है, ठीक है, बस उसी को थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, उसको दो बार से तीन बार पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी, समझ गए? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कटक। इधर इनको मिल गया, इस बाल यात्रा को क्या मिल गया है? इसको गिनीज बुक रिकॉर्ड मिल गया, क्योंकि इन्होंने एक साथ 35 मिनट में इतनी सारी नाव बना दी। नेक्स्ट चलते हैं, देखो गिफ्ट, ये आज का स्टैटिक टॉपिक है, जो मैंने बताया था स्टैटिक टॉपिक है ये, गिफ्ट आपका। एक क्वेश्चन नहीं आया इसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसे नहीं आया दोस्तों। वो क्वेश्चन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का क्वेश्चन था, वो आया नहीं, पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है स्किप हो गया वो, कोई बाद में चलो उसको कल देख लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे उसको, कल देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन डाला था, वो इसमें आया नहीं, मुझे दिखा नहीं, मेरे को पता है ये चीज। देखो गिफ्ट क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, ये क्या है, इसी का नाम है गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, समझ गए दोस्तों। इसने क्या किया है भाई, भारत का पहला और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, यानी एकमात्र विश्व का क्या है, वित्तीय सेवा केंद्र है, जहां बैंकों,
स्टॉक एक्सचेंजों और वित्तीय सेवा फर्मों ने अपने वैश्विक संचालन स्थापित किए हैं। दोस्तों जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है ना बड़ी बड़ी फर्मों के, बैंक हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो हमारे यहाँ के हो, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई भी मुंबई वाला, तो ये वाले जो है उन सब ने क्या किया है, अपने इंटरनेशनल जो ऑपरेशंस किए संचालन वो गिफ्ट सिटी में किए, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी में, गिफ्ट सिटी में किए। ऐसा पहला देश है। यह शहर गुजरात राज्य की व्यापारिक राजधानी अहमदाबाद और राजनीतिक राजधानी गांधीनगर को जोड़ने वाली साबरमती नदी के तट पर स्थित है। भारत का विकास इंजन मतलब यानी कैपिटलिज्म से रिलेटेड है दोस्तों, ये जो है क्या है, ये कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, यानी व्यापार से रिलेटेड है, व्यापार भारत का व्यापार इंजन इसको कह रहे हैं, समझ गए। ये अहमदाबाद और गांधीनगर, अहमदाबाद क्या है भाई, फाइनेंशियल कैपिटल है, और गांधीनगर क्या है, पॉलिटिकल कैपिटल है, उन दोनों साबरमती को जो जोड़ते हैं उसके तट पर है, समझ गए। ये आपको याद रखना है। ये आज का डिस्कशन था दोस्तों, आज का डिस्कशन समाप्त हो गया। इसमें एक क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसको चेक करूंगा कि वो क्यों नहीं आया, मैंने डाला था वो क्वेश्चन, अगर वो नहीं आया है तो प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है, उसको क्या करेंगे, कल अगले डिस्कशन में शामिल कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, समझ गए। जय हिंद वंदे मातरम, लौटा दो वो पुराने दिन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आज मैंने कमेंट देखे नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लिख रहे हो ये गाने हैं। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के बाद पहली बार वीडियो देख रही आपका, अच्छा, फुल टून इंडिया, नाम तो लिख देते दोस्तों अपना। दिल्ली पुलिस में बहुत जल्दी एक बैच लॉन्च होगा, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, और मूर्ख की सारी रात, और चतुर की एक घड़ी, ये बराबर होती है दोस्तों। जो मूर्ख होते हैं वो कई कई रातों लगे रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हाय हाय रे पढ़ना है, हाय हाय रे पढ़ना है। और जो चतुर होता है वो ये समझ लेता है कि जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं कि 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक समझदार व्यक्ति से 100 मिनट तक स्ट्रेटेजी ले लेना, उससे बात कर लेना। लेकिन आपको उस चीज पे ध्यान देना जो मैंने बोला है कि 100 मिनट तक एक ही आदमी से, ये बोला है मैंने, ध्यान रखो। आजकल का यूथ क्या है, ये कैसे डेबिट हो गया, कैसे फूहड़ हो गया, ये कैसे फेल हो रहा है, ये इस वजह से फेल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है कि स्ट्रेटेजी लेनी है, स्मार्ट तो बनने की कोशिश करता है लेकिन स्ट्रेटेजी लेता है 50 लोगों से और उसमें उलझ के ये रह जाता है। आप एक चीज को होलिस्टिकली डेलिजेंटली फॉलो करो, आई बेट यू दैट यू आर गोना बी सक्सेसफुल पर्सन और सक्सेसफुल वुमेन और मैन और चाइल्ड, जो भी है, छोटा बच्चा भी होगा ना, अगर इफ यू आर फॉलोइंग समथिंग होलिस्टिकली, पूरे दिल से, तन मन धन से, पूरे डायरेक्शन के साथ एक चीज को फॉलो कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ये तरीका है, ये की है दोस्तों, जो सब लोग फॉलो नहीं कर पाते। मैंने कल भी बताया था कि लोगों को चीजें पता हैं लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो देम, वो उनको फॉलो करने नहीं जा रहे और इसी वजह से दे विल बी फेल्ड इवेंचुअली, अंत में क्या होगा, वो फेल हो जाते हैं। अगर किसी से आपको लेनी है, मैं कहता हूं कि मेरे से नहीं लेनी, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे से नहीं लेनी, लेकिन जिससे भी लेनी है दोस्तों ध्यान रखना, एक ही आदमी को फॉलो करो, एक ही बंदे की स्ट्रेटेजी लो। जैसे मैं कोर्स लेके आऊंगा तो मैं उनको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि अगर आपको पास होना है तो बात सिर्फ मेरी सुननी पड़ेगी, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसी डिसिप्लिन में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो मैं आपको ऐसे फूली फूली रोटी खिला के और कहूं भाई ठीक है तूने मेरा कोर्स खरीद लिया अब तू पास हो फेल हो मुझे मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं दोस्तों। कहते हैं रेशियो ठीक होना चाहिए, जहां 10,000 लोग हैं और 10,000 में से अगर 200 पास हो रहे हैं, समझ गए, और जहां 200 लोग हैं और 200 में से अगर 90 पास हो रहे हैं, बताओ कौन सक्सेसफुल है, कौन यहां पे चाणक्य है और कौन यहां पे शकुनी है दोस्तों। जहां भीड़ रहती है ना, बहुत ज्यादा भीड़ में से कुछ लोग तो सेलेक्ट होंगे ही, चाहे कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, या वो खुद अपनी मेहनत से सेलेक्ट होंगे। लेकिन जहां जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा रहे, जहां 20 में से 11 लोग पास हो रहे, तो समझ लेना उस व्यक्ति ने उन पर काम किया है।
तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप स्वयं पढ़ें, किसी से ना पूछें, या अगर किसी से पूछें तो एक ही व्यक्ति से पूछें, उसी को फॉलो करें। यही तरीका है सफलता का, दूसरा नहीं। राधे राधे। गिफ्ट सिटी ये अभी चल ही रहा है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, उसको खत्म करके अभी चल ही रहा है क्या? तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का कोर्स ला रहे हैं और उसमें क्या है, आपको बहुत ही ज्यादा डेलीजेंटली, बहुत ही ज्यादा होलिस्टिकली उसको फॉलो करना होगा, पूरे तन मन से, पूरा इंट्यूशन उस तरफ डाइवर्ट करना होगा। नोक एक बात बताऊं ऑनेस्टली, इसको हो सकता है वो लोगों को ये चीज मजाक लगे जो जाहिल है, जिन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूं कि जिन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ा है दोस्तों, वो आपको एक चीज बता देंगे कि नौकरी लेना इतनी बड़ी बात नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस नौकरी के लिए तुमने त्याग कितना किया ये बड़ी बात है। यानी आप और कैजुअल 10 लोग पढ़ रहे हैं, 10 एक ही ढर्रे में पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 वैकेंसी निकली है तो 10 में से 2 तो पास होंगे, भले सारे एक जैसे ही पढ़ रहे हैं, किसी का थुक्का लग जाएगा, किसी का लक काम कर जाएगा, किसी का यह है कि वो एक आध घंटे ज्यादा पड़ जाएगा, तो 2 तो पास हो ही जाएंगे ना, 8 तो फेल हो गए ना। उन 8 में अगर चाहते हो कि आप उन 2 में मेरा नाम आए, तो क्या करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ता है, ये जीवन की सच्चाई है, इसको कोई वो नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपको ध्यान। चलो राधे राधे, ऑल द बेस्ट, और जिसका भी एग्जाम है, अगर कोई एग्जाम है आने वाला, उन सबके लिए ऑल द बेस्ट है। दोस्तों मैं फिर कल आपको मिलूंगा इसी बोर्ड पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, यही सेम बंदा, उसी सेम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के साथ, करेंट अफेयर के साथ, कल फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। माता पिता का सम्मान जरूर करना साथियों, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहना, क्योंकि वो हैं, अगर वो डायरेक्शन देंगे तो आपका भला होना ही है, आप आगे जाएं, ठीक है। चल शुक्रिया, जय हिंद।